Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am discussing with you all agencies of education, in which I have already discussed the classification of agencies of education and home or family as an agency of education. And this time it is the turn of the concept of school as an agency of education. So as we all know that school has been formulated for providing education to the individuals. So it is the most formal agency of education. Okay, so let's start with the topic. School as an agency of education, यानी कि विद्यालय शिक्षा के अभिकरण के रूप में. तो विद्यालय का निर्माण ही शिक्षा देने के लिए हुआ है, है ना? जैसे होम या फैमिली का तो इनफॉर्मली ये शिक्षा देती है, पर विद्यालय तो शिक्षा देने के लिए ही है. तो देखते हैं क्या है ये कि द स्कूल इज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन एंड ए मिनिएचर फॉर्म ऑफ सोसाइटी. ये बहुत फेमस कोट है डीवी का. डीवी ने कहा है स्कूल इज ए मिनिएचर फॉर्म ऑफ सोसाइटी. मतलब क्या है इसका कि विद्यालय समाज का लघु रूप है. कहने का क्या मतलब है कि समाज में जिस तरीके की व्यवस्था है, समाज में जो चल रहा है, समाज में जो लेवल है, ब्यूरोक्रेसी है कि ऑटोक्रेसी है कि डेमोक्रेसी है, वही रूप आपको विद्यालय में भी देखने को मिलता है. इट कंप्राइजेस द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स. इसमें बहुत सारे हितधारक लगे होते हैं, जैसे शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक और सरकार. द स्कूल हैज इट्स ओन कल्चर एंड सोशल सेटिंग. हर विद्यालय का अपना एक अपनी एक संस्कृति होती है, अपनी एक सामाजिक सेटिंग होती है. सोशलाइजेशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द स्कूल. हम लोगों ने फैमिली का फंक्शन पढ़ा है कि सोशलाइजेशन है कि बच्चे को हम सामाजिकरण, बच्चे का सामाजिकरण करते हैं, मतलब समाज के नियमों के हिसाब से उसको बनाते हैं. यही काम एक महत्वपूर्ण काम विद्यालय का भी है. विद्यालय भी बच्चों का सामाजिकरण करता है, छात्रों का. द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड विच टेक्स प्लेस इन द फैमिली एक्सटेंड्स टू स्कूल व्हेन ही और शी एंटर्स इट. मतलब कि जो इंडिविजुअल है, जो चाइल्ड है, उसके सामाजिकरण की जो प्रक्रिया घर से शुरू होती है, वही उसका विस्तार आगे जाके विद्यालय तक होता है जब वो विद्यालय में प्रवेश करता है. यानी कि विद्यालय उसी सामाजिकरण को आगे बढ़ाता है. बिसाइड सोशलाइजेशन के अलावा, सामाजिकरण के अलावा, अनदर सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ द स्कूल इज द ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज टू न्यू जनरेशन. देखिए एक बात आप ध्यान दीजिए, जब विद्यालय नहीं थे, हमेशा से तो रेजिडेंशियल गुरुकुल के टाइम की बात होती है, फिर हर समय हमेशा से नहीं था कि विद्यालय है जहाँ बच्चा जा रहा है और बच्चा एक नियमित समय के लिए जा रहा है और आ रहा है. इसकी आप अगर ओरिजिन में जाएंगे तो ये भी है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम जब शुरू हुआ तो ये देखा गया कि भाई औरतें भी काम कर रही हैं या औरतें भी इन्वॉल्व हैं, मशीनीकरण है, वो कारखाने जा रहे हैं पुरुष और वो काम कर रहे हैं. पहले क्या था, लोग अपने घरों में ही काम करते थे, खेती बाड़ी या जो भी है वो अपने घर में ही, घर से कहीं जा नहीं रहे. तो जब वो घर से कहीं जा नहीं रहे हैं तो बच्चे को वो दिन भर, मतलब थ्रू आउट द डे, इनफॉर्मली एजुकेट कर रहे हैं, इनफॉर्मली उनको शिक्षा दे रहे हैं. लेकिन जब पिता या माता या दोनों घर से बाहर जाने लगे तो बच्चा उतनी देर क्या करेगा. तो इस तरह से एक तरीके से स्कूल की स्थापना कस्टोडियल फंक्शन के रूप में भी हुई है कि उतनी देर भाई बस बच्चे की कस्टडी आप संभाल लीजिए. तो बच्चे की कस्टडी आप संभालेंगे तो जो काम विद्यालय कर, सॉरी जो काम घर करता था, परिवार करता था, उसी की आउटसोर्सिंग स्कूल को दे दी गई कि ठीक है हम पढ़ा रहे हैं अब आप पढ़ाइए, हम सामाजिकरण कर रहे हैं अब हमने जब आप विद्यालय में डाल दिया तो सामाजिकरण की जिम्मेदारी आपकी. हमारा काम था कि हम ट्रांसमिशन ऑफ वैल्यूज एंड कल्चर्स करते थे न्यू जनरेशन को, अब यही काम आप करेंगे. समझ में आई बात? तो इसीलिए विद्यालय घर या परिवार के जो फंक्शंस हैं, जो कार्य हैं, उन्हीं का एक्सटेंशन स्कूल में जाके मिलता है. बेसिकली स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी आर मेड टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्कूल. विभिन्न वर्गों के बच्चे एडमिशन लेते हैं, प्रवेश लेते हैं विद्यालयों में और उनको विद्यालय के रूल्स रेगुलेशंस मानने होते हैं. द स्कूल अंडरटेक्स डिफरेंट एक्टिविटीज एट डिफरेंट लेवल्स टू इंश्योर द ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. विद्यालय का यह भी काम है कि जो भी छात्र ने वहाँ प्रवेश किया है उसके व्यक्तित्व के पूरे विकास की वो जिम्मेदारी ले. स्कूल देयरफॉर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन लेइंग द फाउंडेशन ऑफ ए चाइल्ड्स पर्सनैलिटी. इसलिए विद्यालय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि जो छात्र है उसकी वो उसके व्यक्तित्व का निर्माण करेगा. किन किन शब्दों में? उसके व्यक्तित्व का विकास करेगा. फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल. यानी कि उसका शारीरिक विकास भी हो, खेल कूद, पीटी, एक्सरसाइज, योग, ये सब कराए जाते हैं स्कूल में. कॉग्निटिव तो करना ही है, हमको उसको पढ़ाना लिखाना है, हमको उसके ब्रेन का डेवलपमेंट करना है, थिंकिंग प्रोसेस का डेवलपमेंट करना है. सोशल, वो सामाजिक हो, उसे पता हो कि टीचर से कैसे बिहेव करना है, अपने पीयर ग्रुप से कैसे बिहेव करना है, बड़ों से कैसे, छोटों से कैसे. इमोशनल, उसको इमोशनली डेवलप करना है. मॉरल, उसको बताना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है. मॉरल यही होता है ना, वॉट डू एंड वॉट नॉट टू डू. एंड स्पिरिचुअल, और आध्यात्मिक विकास की भी जिम्मेदारी स्कूल की है.
इन दी चेंजिंग एजुकेशन सिनेरियो द स्कूल परफॉर्म्स टू टाइप्स ऑफ रोल्स. वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे परिदृश्य बदला, विद्यालय के दो मुख्य काम अब नजर आते हैं, मैनिफेस्टेशन एंड इमर्जिंग. मैनिफेस्टेशन जो प्राकट्य है, मतलब जो दिख रहे हैं सामने सामने, और इमर्जिंग जो निकल के आ रहे हैं. क्या क्या है इसमें? अगर मैनिफेस्ट फंक्शंस की बात करें तो ट्रांसमिटिंग ट्रेडिशनल कल्चर, जिस सेटअप में वो विद्यालय है उसमें जो कल्चर है, जो पारंपरिक संस्कृति है, उसका ट्रांसमिशन करना विद्यालय का एक प्राकट्य कार्य है. टीचिंग बेसिक स्किल्स एंड वोकेशनल एजुकेशन, ये तो खास है, आपको बेसिक स्किल उसको सिखाने हैं, कौशल सिखाने हैं, नॉलेज देनी है, एटीट्यूड देनी है, और किसी न किसी व्यवसाय का प्रशिक्षण भी देना है, व्यवसाय की शिक्षा भी देनी है. और कैरेक्टर एजुकेशन, चरित्र का निर्माण करना है बच्चे के. तो ये तो हो गए मैनिफेस्ट फंक्शंस. फिर इमर्जिंग फंक्शंस कौन कौन से हैं जो निकल के आ रहे हैं? पर्सनल एंड सोशल प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर वो विद्यालय का हिस्सा है, उसने विद्यालयी शिक्षा ग्रहण कर रखी है, तो उसको व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं के समाधान का गुण होना चाहिए. सोशल कॉम्पिटेंस, वो सामाजिक रूप से दक्ष होना चाहिए. डिफ्यूजन ऑफ न्यू नॉलेज, कुछ नया आ रहा है, कुछ रेलेवेंट है, कुछ अप टू डेट है, उसका प्रसार करना विद्यालय का काम है. प्रोवाइडिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ए सोशल पोजीशन, ये बार बार होता है कि घर परिवार में ये हो सकता है कि कोई ऊपर है, कोई नीचे है, क्या कहते हैं उसको, नेबरहुड में हो सकता है, पड़ोस में हो सकता है, लेकिन विद्यालय में ऐसा नहीं होगा. विद्यालय इस पे मान्यता पर आधारित है कि हमको शैक्षिक समानताओं के समान अवसर देने हैं, शैक्षिक अवसरों की समानता, मतलब सभी को शैक्षिक अवसर हमको एक हिसाब से प्रोवाइड करना है, ताकि हम एक समतामूलक समाज का निर्माण कर सकें. और सेक्स एंड फैमिली लाइफ एजुकेशन भी विद्यालय देता है. तो और है इंक्रीज्ड फंक्शनल लिटरेसी, यानी कि बार बार ये बात हो रही है कि हमको बच्चे को साक्षर बनाना है, पहले साक्षर बनाइए फिर शिक्षित बनाइए. डेवलपमेंट ऑफ कॉस्मोपॉलिटन आउटलुक एंड साइंटिफिक टेंपर, हमको बच्चे में ये आउटलुक डेवलप करना है कि वो कॉस्मोपॉलिटन, मतलब ठीक है पूरी दुनिया में ये सब है, हमको सबको उसी हिसाब से देखना है, ऐसा नहीं कोई बड़ा छोटा नहीं है. एंड साइंटिफिक टेंपर, ये तो बार बार बात होती है कि वैज्ञानिक टेम्परामेंट उसके अंतर्गत हो. वैज्ञानिक टेम्परामेंट का मतलब कि वो लॉजिकल हो, रैशनल हो, ऑब्जेक्टिव हो, अपना पर्सनल बायस ना लगाए, चीज़ों को कई एंगल से देखने की कोशिश करे, डिलेड जजमेंट करे, मतलब तुरंत किसी बात को सुनते ही तुरंत निर्णय ना ले, बल्कि रुक के सोच के समझ के सारे एंगल से निर्णय ले. पेशेंस हो उसमें, परसिवरेंस हो, ये सब साइंटिफिक टेंपर है. लर्निंग टू लिव टुगेदर, ये आपको पता होगा, आपने कई बार सुना होगा मेरे मुंह से भी या कहीं और भी, कि डेलर्स कमीशन 1996 में आया, उसने ये बताया था कि लर्निंग टू लिव टुगेदर, लर्निंग टू लिव हैप्पीली, इस तरह से लर्निंग टू बी, ये वहां से कंसेप्ट आया है कि साथ साथ सीखें, लर्निंग टू लिव टुगेदर, साथ साथ रहना सीखें. और फोस्टर्स क्रिएटिविटी, वैसे ये एक बड़ा विरोधाभास है कि कभी कभी जब हम क्रिएटिविटी पढ़ते हैं तब वहाँ हम ये पढ़ते हैं कि विद्यालय एक्चुअली बच्चे की क्रिएटिविटी ख़त्म करता है, लेकिन माना तो यही जाता है कि हम बच्चे को क्रिएटिव बनाएंगे, उसके अंदर क्रिएटिविटी डेवलप करेंगे. ओके, सो इन दिस वे छोटा सा टॉपिक है, लेकिन यही अगर आप पढ़ कर नहीं जाएंगे तो आप लिखेंगे फिर अपने मन से कहानी, तो कहानी नहीं लिखनी है, आपको बताना है कि विद्यालय का तो निर्माण ही हुआ है शिक्षा देने के लिए, इसलिए मोस्ट फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन है, मोस्ट एक्टिव एजेंसी ऑफ एजुकेशन. हम लोगों ने पढ़ा है ना, फॉर्मल इनफॉर्मल हो सकता है, एक्टिव पैसिव हो सकता है, कमर्शियल नॉन कमर्शियल हो सकता है, और इसके जो जो घर का काम है उसी का एक्सटेंशन विद्यालय में जाके हो रहा है. तो सोशलाइजेशन और ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, जो घर का काम था, परिवार का काम था, वो विद्यालय कर रहा है. उसके अलावा दो मेन इसके फंक्शंस नजर आते हैं, मैनिफेस्ट फंक्शंस और इमर्जिंग फंक्शंस. मैनिफेस्टेशन कहते हैं ना कि प्राकटीकरण, मतलब बाहर निकल के आना, जो दिख रहा है साफ साफ सामने से. और इमर्जिंग, इमर्ज हो रहा है, जैसे जैसे समय बदल रहा है, समय काल जैसे जैसे बदलेगा, इमर्जिंग फंक्शंस थोड़े बहुत बदलते जाएंगे. ओके, सो ये भी हो गया, तो होम हो गया, स्कूल हो गया, अब आपका बचा है कम्युनिटी या सोसाइटी और स्टेट. तो ये एजेंसीज ऑफ एजुकेशन आपके कोर्स में जितना है वो कवर हो जाएगा. वैसे तो और भी हैं, मीडिया भी हो सकता है, टीवी कमर्शियल भी हो सकता है, पर वो आपके कोर्स में नहीं है. ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन. I have done from my side.